आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों की समस्याओं के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया गया है दोस्तों। उस प्रकोष्ठ के आधार पर आपकी शिकायतों की जांच की जाएगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए बहुत लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं। न्यूज सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। प्रकोष्ठ करेगी शिकायतों की जाँच। राज्य सरकार ने शिकायतों के लिए प्रकोष्ठ बनाया जिसमें 6 प्रकोष्ठ जाँच करेगी कि यह शिकायतें सही हैं या गलत। शिकायतें सही पाए जाने पर नई एक्ट के जरिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर सरकार शिकंजा कसेगी। निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सरकार निवेशकों की संपत्ति को करेगी लीलाम। केंद्र सरकार बनाया गया कानून। जहाँ दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में सबसे पहले लागू करने का राज्य राज्य राजस्थान बन गया है, जिसके बाद अब दूसरे राज्यों में इन कानूनों को लागू करने की वकायदा शुरू हो गई है। गहलोत सरकार की इस तरह सॉरी दोस्तों गहलोत सरकार की इस पर पहल से न केवल निवेशकों का पैसा मिल पाएगा बल्कि ऐसे लुटेरों पर भी पूरी तरह से लगाम लग जाएगा जो खुले आम जनता को लूटने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।